दिस इज अवर होटल हॉलीडे इन लिटिल इंडिया सिंगापुर। वहाँ पे सब पूरा लिटिल इंडिया है, आपको यहाँ पे ये पंजाबी भवन मिल जाता है, लेकिन यहाँ बहुत महंगा है, तो माई सजेस्ट की मत आना यहाँ पे। इससे अच्छा खानसा मुझे ले जाना आगे या बालाजी रेस्टोरेंट, वो बढ़िया है। ये पूरा ऐसे होटल है और गाइस जाओ, वी आर एंटरिंग द होटल, और ये जो हम कर रहे हैं आप बिल्कुल ना करें बिकॉज हमने दिल्ली बना रखा है, फिर ये टाप के जा रहे हैं, बताओ पकड़े गए तो गाइस दिक्कत हो सकती है। गाइस सो नाउ वी आर एंटरिंग आवर होटल, आपको पूरा होटल का टूर मिल जाएगा इसमें, और हमारा रूम थोड़ा सा मेसी है तो डजंट मैटर, बहुत ज़्यादा प्रिंगल्स पड़े हुए हर जगह। तो गाइस सबसे तगड़ी चीज़ देखो, यहाँ पे 7-Eleven मिल जाता है, कभी भी भूख लग रही है तो घुस जाते हैं, और यहाँ पे घुसते ही सबसे मस्त चीज़ मिलेगी हमको, ओपन इट अप शवाड़ी का। तो गाइस वी आर गेटिंग स्टारबक्स हियर, एंड हमको यहाँ पे कुछ काम करने के लिए मैक मिल जाता है। गाइस दिस इज द स्टारबक्स इन द ओन होटल, ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। और ये हमारी लॉबी है, लॉबी पर बहुत तगड़ी है यार, शवाडी का। गाइस शायद आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो देखी होगी शवाडी का वाली, तो शवाडी का जर्नी इसमें लिफ्ट में कोई सिस्टम भी है, अंदर लिफ्ट के घुसते हैं, घुस के बताते हैं, वो थोड़ा हमको बेकार भी लगा, वो बहुत ही टट्टी है, पर वो सही है, इनको पता है लिटिल इंडिया में ना जरूरी भी है वरना लोग तो जिस रूम की आपके जिस फ्लोर की आपके पास की होगी वही फ्लोर कर देगा। जैसे ही देखो 13, 14, 16, 19, आप 20 कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप सिर्फ 12 पे जा सकते अगर आपका रूम 12 पे है तो। सो गाइस नाउ वी आर गेटिंग, सो गाइस हम आपको रूम से पहले जिम दिखाते हैं, जिम दिखाने के लिए भी यहाँ पे गिराए जा रहा हूँ, तो हमने क्रूज वाला जिम तो दिखाया नहीं, कोई नहीं यहाँ वाला जिम दिखाया, यहाँ बहुत बढ़िया जिम है, तो जिम के लिए भी हमको यहाँ पे कार्ड शो करना होता तभी ये खुलता है। एंड गाइस जिम इज आल्सो अमेजिंग, बोट लगी तो लाइन लगी है यहाँ पे, तो ये हमको दो ट्रेडमिल मिल जाती है, एक कॉक एक साइकिल और एक ये पता नहीं नाम नहीं पता, और यहाँ पे टावल की भी भरमार है मार्केट लगा लो, और दो टॉयलेट मिल जाते हैं, और ये बेंच मिल गया हाँ, और ये डंबल्स मिल जाते हैं मैक्सिमम 14 kg, अपने सस्ते बंदे हैं जिम कर सकते हैं। और ये हमको सेकंड फ्लोर पे बॉल मिल जाती है, तुम पूरी नहीं हो गया था गाइस, देखो कितना बड़ा टीवी भी मिलता है, बंदा यहाँ पे आके टीवी ही देख ले हाँ, रूम से कम थोड़ा ना ये। आओ गाइस फाइनली आपको रूम में लेके चलें, ये देखो गाइस क्या कर रही है तुम आजा बड़ी रूम में एक बंदा सो भी रहा होगा गाइस, उसके लिए भी मैटर मत करना फिर उठ गया, चलो अच्छी बात है फिर तो गाइस, फिर तो नीचे ही होगा, चाबी देखो मेरे पास ही है बस, तीन चाबी मिली थी, दो तो खो दी हमने। ये हमारा रूम अनलॉक्ड, एंड गाइस पहले वॉशरूम देख लो, ये तो थोड़ा साफ सुथरा है, और ये हमको ये दो चीज़ें मिलती हैं, आ जा यो बॉडीज। सो गाइस दिस इज अवर रूम, हे बॉडीज। सो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा बेडरूम, क्योंकि हमारे 3 की ऑक्यूपेंसी है, और गाइस सबसे बेस्ट चीज़ है ये, सबसे पहले आप व्यू देख लो, ये देखो डाउनटाउन का पूरा व्यू आता है यहाँ से, बस मरीना बे सैंड्स ही नहीं दिखता, पर कोई बात नहीं कुछ तो दिख रहा है ना, और वहाँ पे पूरी ऑर्चर्ड लेन वगैरह सब दिख रही है, जेपी मॉर्गन बैंक। सो गाइस ऊपर हमारा ये पूरा ऐसे है, डुप्लेक्स रूम है, यहाँ देखो भाई ये देखो गाइस कपड़े कपड़े फर्स्ट सेकंड यहाँ देखो सेकंड थर्ड फोर्थ, दो पैकेट ले गए, दो पैकेट तो गायब है, 3 पैकेट लड़कियों के रूम में पड़े हुए हैं, ऊपर भी होंगे, ऊपर भी फिफ्थ ये देखो प्रिंगल्स के सब पड़ा हुआ है, और ये देखो गाइस आपको यहाँ पे टीवी, हमको वहाँ टीवी मिलता है गाइस, दिस इज अमेजिंग रूम, टीवी में ना यूट्यूब चलता है, सब चल रहा है गाइस, और ये बेड है। ओ गाइस अब बताओ और क्या चाहिए रूम में, और क्या ही चाहिए, मतलब रात को टीवी मिल रहा है वो भी यूट्यूब के साथ, और यहाँ से खड़े होकर ऐसे व्यू मिल जाए।
ये पूरा फिफ्थ फ्लोर का ब्रेकफास्ट दिया है, अंदर की साइड भी, अंदर भी बुफे लगता है। तो आओ जाइए, ब्लू जैस्मिन कैसा है। आज व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है और ये पूरे बढ़िया से माहौल में हमको ब्रेकफास्ट करने को मिलता है। और गाइस ये ब्रेकफास्ट होता है कम्प्लीमेंट्री, बस ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री है। एंड वी गेट मसाला टी हियर एंड हमको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए। कुछ बनाते हैं, हॉट चॉकलेट बनाते नहीं, कैपुचिनो लाचे, आज क्या बनाए, कैपुचिनो बनती है। ये झाग 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 पूरी झाग से भर के रेडी कर दी है। गाइस अब कैपुचिनो इज रेडी और यहाँ पे हॉट वाटर मिल जा रहा है और ये वगैरह वगैरह। और ये तीन चार तरीके के जूस, जो कैपुचिनो वाटर, आइस वाटर, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस। ले कैन यू गेट मी आमलेट, कैन यू मेक एन आमलेट फॉर मी, आमलेट 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 वेजिटेबल आमलेट। या या Oh, I see. Yeah. Thank you so much for the amulet. You come for here, salt. Yeah. The salt, okay, Alexa. Yeah. Bon, bon, it's okay. It's okay. Yeah. I see now in Abbey. Yeah. Let's fold it. Okay. Put my cappuccino okay. There. Enjoy, huh? Yeah, thank you. I will tell you how it is. Okay, thank you. Yeah. Right, I'm going to reduce it. Let's go inside. Inside, we'll see what options we have. Perfectly. शुरू हो चुकी है और ये गाइस यहाँ पर स्विमिंग पूल भी आप देख ही लो। इस जगह ने स्विमिंग पूल भी ऐसे बढ़िया सा बना रखा है इन्होंने, बिल्कुल डाउनटाउन के थोड़ा बहुत व्यूज के, डाउनटाउन तो नहीं, व्यू के साथ थोड़ा बहुत। और यहाँ वॉशरूम एरिया और ये स्विमिंग पूल एरिया है यहाँ का। ग्राउंड बीफ विद कॉर्न चिकन मीट बॉल्स इन ब्रेकफास्ट, ठीक ही खाते पड़े हैं ब्रेकफास्ट में। टमाटर छोटे छोटे मी गौर की मतलब क्या क्या खाते हैं यार, सॉसेज, स्कैम्बल एग, बीन्स, रेड रेड और टर्की बेकन, पॉर्क चिप्लोटा। और गाइस ये सबसे फेमस है बाव, बाव नहीं है आज क्या है, ये स्टीम्ड यम केक, नई चीज़ है आज तो। गाइस ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये देखो गाइस पूरी नेटल है, बड़ी मिलती है और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्राज में हैं। और ये डेसर्ट्स और ये भी मिलता है हमको, इसको भी हम बेक कर सकते हैं यहाँ पर, इसको करेंगे इसको अपन न्यूट्रल डाल देंगे, कर देते हैं। चलो लेट्स गो, बाय बाय बड़ी। और तो हमको यहाँ पे इंडियन में मिल जाता है छोले पूड़ी, पूड़ी छोले भटूरे और अचार एंड ये सब चीज़ें हैं। और ये फ्रूट्स का एरिया हो गया और ये चकोस वगैरह थोड़ा सा लिटिल इंडिया का भी थोड़ा सा कंटेंट दिखा दें। ये तो पीछे होटल ही था और सीधा यहीं से निकलते स्टार्ट हो जाता है हमारा लिटिल इंडिया। स्रेंगून रोड पे है लिटिल इंडिया। हेलो, ओए नहीं फॉरएवर पार्क गाइस, देखो लिटिल इंडिया का इंडिया वाला थीम ही दे रखा होता है यहाँ पे, ढोलक वोलक वगैरह। चलो चलो तो आज बारिश हुई थी यहाँ पे, आराम से साइड हो जाओ, गाड़ी आ रही है, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। गाइस वो देखो वहाँ पे आपको मिल जाएगा एबीसी खजाना, थोड़ा बहुत चाइनीज भी है लेकिन है पूरा लिटिल इंडिया ही है। तो अभी तो हम जा रहे हैं बालाजी पे खाना खाने के लिए। वन रेस्टोरेंट, निसी टूर एंड ट्रेवल, सब इंडियंस ही हैं ये पूरे। ये वाली जो लेन है ये मेन पूरी फुल लिटिल इंडिया की लेन है, यहाँ पे सब इंडियंस ही इंडियंस मिलेंगे आपको। आगे जाओगे तो ज्वेलरी की शॉप्स मिलेंगी और इंडियन इंडियन सामान मिलेगा। ए यहाँ पे मेन सेंटर भी है, अगर आपको कभी कोई सामान खरीदना है तो मैं वो भी खाता हूँ, आपको बहुत सस्ता सामान मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे ये इंडियन वेज रेस्टोरेंट, इंडियन स्वीट, स्वीट्स चाहे महंगी है सब ये लेकिन इंडियन है। मुस्तफ़ा
तो वो आसिफ बिरयानी, तो वो है मुस्तफ़ा सेंटर यहाँ का। ये लगभग बहुत तगड़ा सेंटर है, यहाँ से आपको कुछ भी मिल जाता है, डिस्काउंटेड होल चीप तो नहीं मिलता ज़्यादा, मतलब डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। और बहुत बड़ा सेंटर है, 24/7 वर्किंग है, तो आप रात को कभी भी भूख लग रही हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, सामान लो और जाओ, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, A to Z सब कुछ है मुस्तफ़ा सेंटर। ये सबसे यहाँ की प्राइम लोकेशन है मुस्तफ़ा सेंटर, यहाँ जा सकते हैं। हम भी रात को भी प्रिंगल्स लेने गए थे यहाँ, प्रिंगल्स आपको $2 के मिल गए, तो बहुत सही है, मतलब इंडिया वाले रेट से मिल जाते हैं, इंडिया से सस्ता भी मिल जाता है। और तो यहाँ पे ये सब इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। हम जा रहे हैं बालाजी में, कि बालाजी के पास टेस्ट है और प्राइस भी सही है। देखो गाइस द्वारका मिनोरा, तो ये पूरी स्ट्रीट है इंडियन स्ट्रीट है। आगे आपको साउथ इंडियन से भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। गाइस तो बालाजी भवन, ये बहुत तो बढ़िया खाना था इसका, हमने भी खाया, बुफे सिस्टम में मिल गया, उसी सिस्टम में मिल गया, बहुत सही खाना था, आपको भी ट्राई करना तो बालाजी है मुस्तफ़ा के एकदम सामने, लिटिल इंडिया। चीज़ हमको यहाँ पे बुफे में मिल जाती है, छोले वगैरह सब इंडियन टेस्ट में है, सारा सही चीज़ है, बस थोड़ा सा फीका होता है, बस बहुत सारा बढ़िया है, आपको भी ट्राई कर सकते हैं।